नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सड़कों के बारे में, बिहार के सड़कों के बारे में और जिलों के हिसाब से कितनी सड़कें बन रही हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 66 सड़कें एवं 38 पुलों का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस दौरान सड़क निर्माण के साथ साथ 5 साल तक इसकी मरम्मत में सरकार 306 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बताया गया है कि 3 साल में सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। इधर विभाग के अधिकारियों की माने तो PMGSY3 के तहत प्रदेश के 15 जिले जैसे कि औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, कैमूर, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और पश्चिम चंपारण का चयन किया गया है। बताया गया है कि इन जिलों में 410.17 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएगी। साथ साथ यह भी कहा गया कि 38 पुलों का भी निर्माण होगा जिसकी लंबाई 910.94 मीटर है। इसके साथ साथ कुल खर्च होने वाली राशि 306 करोड़ 64 लाख रुपए है। इसमें से 60% राशि केंद्र सरकार तो 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस तरह कुल राशि में से बिहार सरकार 114 करोड़ 42 लाख अनुदान करेगी। सड़क और पुल निर्माण का जिम्मा विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया गया है। इसके लिए खर्च होने वाली राशि की निकासी के लिए व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता ही होंगे। यह भी बताया गया है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण मानक निविदा के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए बहुत ही जल्द टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस योजना की शुरुआत करने से पहले इंजीनियर को कहा गया है कि वे इसकी विधिवत अनुमति भी ले लेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि काम शुरू होने के बाद इंजीनियरों को हर हाल में तय समय पर काम पूरा करने को देना होगा। इसके लिए समय समय पर इंजीनियरों को जाकर निरीक्षण करने को कहा गया है। साथ ही साथ इंजीनियर साहब को यह भी बताया गया है कि आप कितनी बार गए और उसमें कार्यों में कितनी प्रगति हुई, इन सब के बारे में जो है रिपोर्ट उन्हें बतानी होगी। बता दीजिए कार्यपालक अभियंता अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्य अभियंता को देंगे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो PMGSY3 में राज्य में 169 सड़कों का निर्माण होना है जिसकी लंबाई 1390.308 किलोमीटर है। इस हिसाब से इस मद में 1140.99 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। वहीं पुलों की कुल संख्या 958.68 मीटर है तो इस पर 56 करोड़ 29 लाख रुपये खर्च होने हैं। इन पुलों और सड़कों की देख रेख जिसमें कि मरम्मत का खर्च 1197.28 करोड़ होगा। इसमें से राज्य सरकार के हिस्से से 556.34 लाख रुपया जाना है। इस योजना के पहले चरण में विभाग ने 66 सड़कों व 38 पुलों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसमें पुल 306 करोड़ रुपये का खर्च होना है। तो एक तरह से कह लें कि बिहार में जो है अब सड़कों का जाल बिछने वाला है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक साथ कई योजनाएं खास करके सड़क और पुल को लेकर बिहार में जारी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार की सड़कें और भी सुदृढ़ होंगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। जो दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।